पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में चल रही 7 दिवसीय विष्णु महापुराण कथा के 4थे दिन राम जन्मोत्सव की कथा सुनाई गई। कथावाचक कपिल मुनि जी महाराज ने राम जन्मोत्सव की कथा का प्रसंग सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर कथा में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। सभी ने कथा का श्रवण कर धर्म लाभ कमाया। कथावाचक ने कहा कि जिस तरह से राजा दशरथ की 3 रानियों में आपसी प्रेम था, उसी तरह आज भी होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कैकेयी को भड़काया गया था, आज भी ऐसी ही मंथरा मौजूद है। इस अवसर पर सुंदर भजनों का गायन किया गया, जिन्हें सुन सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। आज हमारी सरकार का जन्म हुआ है। उभय भाग आधे कर लेना। पहले तो पूरी खीर का आधा हिस्सा, यानी कि 100 में से 50% आधी की पूरी खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया। अब बची आधी खीर, तो आधी खीर का क्या किया? उन्हें उभय भाग आधे कर लेना, यानी बचे हुए भाग का फिर आधा हिस्सा किया और आधा हिस्सा कैकेयी को दे दिया। अब 100% में से 75% तो बट गया, आधा दे दिया कौशल्या जी को, आधे में से आधा दे दिया कैकेयी जी को, अब बचा केवल एक हिस्सा। अब उसका क्या करें? मात्र बची कौन? सुमित्रा जी। इसलिए फिर क्या हुआ? कैकेयी का सोन पसोदया और भयो सो उभय भाग पुनि भय। उस बचे हुए से ये भी फिर दोबारा पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।